Good morning, sir. Morning. Morning, sir. Morning, sir. Sir. क्या है? सब इंस्पेक्टर के बेटे के जैकेट का बटन. सर, ये बटन मेरी मां के लाश के पास. मुझे यहां पर ऐसे क्यों लाए हैं? सतीश, ये जैकेट तेरा है या नहीं ये जानने के लिए. ये खून से सना हुआ बटन शारदा मैडम के घर कैसे पहुंचा ये जानना है. तुम उनके घर क्यों गए थे ये जानने के लिए. देखिए सर, आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रहा. कोई मतलब नहीं है. नहीं. बताते हो या तुम्हें भी उस मैडम के पास भेज दूं? से सब याद है. चलते हैं मैडम. हाँ, ठीक है. बाय. सतीश, ये गंदी आदत तुझे कब से लगी है? जो तेरे पिताजी को बताती हूँ. मैडम 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 नहीं मैडम मैडम प्लीज मैडम प्लीज ऐसा मत करना मैडम. देखिए मैडम, मैं आपका मैडम सॉरी मैडम. मैडम मैडम प्लीज मैडम, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा मैडम. प्लीज पापा को मत बोलो. कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा. तू निकल यहाँ से. तेरे पिताजी सबको अकल सिखाते हैं. जब लोगों को पता चलेगा कि उनका ही बेटा ये सब हरकतें कर रहा है तो उन्हें कितना दुख होगा. इस बार मेरे से गलती हो गई मैडम. तुम्हारा ऐसा नहीं करूंगा. प्लीज मैडम माफ कर दो मैडम प्लीज. मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी तभी तो तुम सुधरोगे. आज मैं चुप रहने की गलती नहीं करूंगी. मैडम प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा ऐसा नहीं करूंगा. निकलो यहाँ से. गेट आउट. देखिए मैडम, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, फोन मत कीजिए वरना मैं जान से मार दूंगा. क्यों रे, चाकू दिखाकर डरा रहा है? चल निकल यहाँ से. मैडम मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, फोन मत कर, फोन रख. चल. क्या कहा? जिसे मैंने पढ़ाया लिखाया वो मुझे ही धमका रहा है. चल निकल यहाँ से. देख लिया, इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया था तो इज्जत इज्जत करके चिल्ला रहे थे. अनकुनी खाकी वर्दी का सहारा लेकर छुपा बैठा हुआ था, अब बेगुनाह लॉकअप में सड़ रहा है. सर आप... सिर्फ अच्छा बाप बनना ही काफी नहीं है, खाकी यूनिफॉर्म देने वाले डिपार्टमेंट के लिए भी वफादार होना चाहिए. अब तुम अपने बेटे को खुद ही ले जाकर लॉकअप में डालो. प्लीज
सर मुझसे नशे में बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। पापा प्लीज इन्हें समझाओ ना, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मैंने जानबूझ के नहीं मारा उन्हें। पापा प्लीज पापा, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ पापा, मुझसे नशे में गलती हो गई। कहना क्या चाहते हो? इसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी सर, जरा सोच कर देखिए सर। सर ये केस यहीं पर, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? यू आर अनफिट टू बी अ पुलिस ऑफिसर, अब साबित हो गया है तुम भी एक क्रिमिनल हो। ए मार दूंगा सतीश, बीच में मत आना वरना मैं छोड़ूंगा किसी को। सामने मत आना वरना मैं गोली मार दूंगा। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, बोला ना पीछे हट जाओ। मेरे सामने मत आना वरना मैं गोली मार दूंगा। अरे जालिम तूने ये क्या किया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे जेल में सड़ा दूंगा। तूने मेरे ऑफिसर को मार दिया। हेलो एसपी ऑफिस, मैं कारगर पुलिस स्टेशन से पीसी परमेश्वर बोल रहा हूँ। अविनाश सर का लड़का सतीश हमारे इंस्पेक्टर सुशील कुमार को और अपने पिता को शूट करके फरार हो गया है सर। इतना ही नहीं, शारदा मैम का भी उसी ने खून किया है सर। सर पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा हादसा हुआ, गोली कोना जाने के बाद भी डिपार्टमेंट चुप क्यों है? किसने कहा कि डिपार्टमेंट चुप है? पुलिस स्टेशन में ये हादसा करने वाले को अरेस्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हमारी इंक्वायरी चल रही है, वो खत्म होने के बाद ही हम सही रिपोर्ट दे पाएंगे। कोई आई विटनेस भी है क्या सर? देखिए इस मामले में एसआई आई विटनेस है, उनके स्टेटमेंट के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। टीचर का मर्डर उनके लड़के ने किया है, इसलिए उसे अरेस्ट किया था। अब कह रहे हैं कि बेगुनाह है। जी हां, लेकिन वो पुलिस के गिरफ्त से फरार हो चुका है। इट्स अ बिग क्राइम। सर अगला कदम क्या होगा? देखिए शहर में ऐसी घटना दोबारा ना होने पाए इसके लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे। सर 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 एक सवाल और, हम फिर चेकअप के लिए आएंगे। सर आप कैसे हैं? सर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ इंस्पेक्टर। सुशील कुमार मेरे बेटे की सच्चाई जान गए थे, इसीलिए मेरे बेटे ने उनका खून कर दिया। ऐसे नीच औलाद का जन्म देने से अच्छा होता मेरी कोख सूनी रह जाती। उसने दो दो घरों को बर्बाद कर दिया। इन्हें कुछ हो जाता तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होता? रो मत माँ, शांत हो जाओ। इंस्पेक्टर मेरे बेटे को ढूंढ कर उसे जेल में डालो, नहीं तो वो राम की भी जान ले लेगा। प्लीज उस बच्चे को बचा लो। डोंट वरी सर, मैं सब संभालूंगा। खुशी जी पापा, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं प्लीज प्लीज पापा प्लीज, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, मैंने राम को भी गलत समझा। प्लीज पापा। क्या यार तेरा चेला तो भाग गया, देख पेपर में आया है। सन प्यारे, अपने चेले की वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाकर मसाज करवानी पड़ी, क्या किस्मत है। वो सब कहाँ गया होगा, तुझे बता के नहीं गया क्या? तू भी टांग खींच रहा है क्या बे? बोल जो बोलना है बोल, मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगा बस। ए जा रहा यार। ए अरे 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 सर, सलाम वालेकुम सर। राम कहाँ है? क्या मेरे पीछे पड़े हैं सर, माँ कसम मुझे नहीं पता है सर। ए कहाँ है बता दे, जल्दी बता वरना हम तुझे पकड़ कर ले जाएंगे। आहा बड़ी अच्छी बात है सर, मिलते ही पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना। ठीक है कर दूंगा। अच्छे अच्छों को मौत आ जाती है, इनको पता नहीं कब आएगी। जिंदगी हंसने का नाम है, चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, किसी ने सच कहा है शादी का फल मीठे से ज्यादा खट्टा है।
सबकी नींद खराब करके। देखो तो जनाब आराम से सो रहे हैं। ये बात मुझे पता होती तो इस घर में कभी नहीं आता। बाहर पुलिस वालों का डंडा, घर में बीबी का फंडा, अब तो मुझे क्या तोहफा देने वाले हो राजा? अगर मैं तुझे पकड़वा देता हूँ तो? यस। इसे ऐसे नहीं मार सकता। मर गया। माँ। अरे मर गया। अरे बाप रे। अरे तू मुझे ऐसे मत देख, तेरी भद्रकाली जैसी सूरत देखकर मेरी जान निकल जाएगी। आज तो मेरी लग गई। अरे बीवी। हाँ बोलो, क्या हुआ था? सर, जब मैं सो रही थी तो मेरे पति ने मेरे सर पर मारकर मुझे मारने की कोशिश की। अटेम्प्ट टू मर्डर 307, इस धारा के बारे में सुना है क्या? हाँ, आगे क्या हुआ? एक रुपया कमाता नहीं है सर, रोज पीकर आता है और मुझ पर जुल्म करता है। सर, हरासमेंट 498A। आगे। सर, इसे देखकर मुझे लगता है इसने जरूर किसी बाहर वाली के साथ अनैतिक संबंध रखे हुए हैं। अनैतिक संबंध सर, 484 लगाओ। आगे बताओ। हेलो मुच्छर, पूछ पूछ कर केस बना रहे हो क्या? ये कोई डिग्री का मार्क्स है क्या? ये डिग्री तो कुछ भी नहीं है। थर्ड डिग्री बाकी है। ये लो साइन करो। तीन लोग मिलकर मुझे अंदर ले जाने का प्लान बना रहे हैं, मतलब कहीं मेरी बीवी को तो सेट नहीं करना चाहते हैं ये? क्या है? अरे काले कलूटर, तेरे मुंह में आग लगे? इस तरह सोचते हुए तुझे शर्म नहीं आती? सर, इसे जिंदगी भर जेल में सड़ने दीजिए। अरे सुनो पतिव्रता, तुमने जो साधना की है ना, उसके लिए किसी दरगाह पर जाकर तेरी मूर्ति बनवाऊंगा मैं। तुझे मौत आ जाए, तू बर्बाद हो जाए। रामायण की सूर्पनखा इसके रूप में वापस आई है। नहीं 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 नहीं, अभी कुछ नहीं, चलिए पीछे हटिए। अरे इन्हें हटाओ, चलिए आप लोग पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलो। हाँ जी। सबसे पहले आपने देखा? नहीं। तो किसने देखा? यहाँ क्रिकेट खेलने वाले बच्चे ने। तुम लोग यहाँ क्यों आए? क्यों आए मतलब खेलने के लिए? हम लोग यहीं रोज क्रिकेट खेलते हैं। सबसे पहले खून किसने देखा? किसने देखा सर? हाँ मैंने ही देखा, बॉल वहाँ गया, उसे लेने गया, वहाँ खून देखा, मम्मी को बुलाया, तो गलत क्या है? ए, वहाँ क्या कर रहे हो? चलो भगाओ सबको। चलो भगाओ, चलो निकलो, 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 चलो। जी सर, सबको यहाँ से हटाओ। चलो जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। सर फोन किसका है? बड़े साहब सर। अरे तू भी ना। हाँ सर, हाँ सर, जगह पर ही हूँ। हाँ सर, नहीं कोई विरोध नहीं सर, सुबह मेरे आते वक्त तक सब सही था। हाँ माँ बेटे का। ओके सर, मैं फोन करता हूँ सर। हाँ फालतू फालतू फोन मत उठा, फोन ऑफ कर। मुश्किल है सर। मैं कह रहा हूँ ना फोन ऑफ कर। मेरी बीवी शक करती, इसलिए ऑन रखना पड़ता है। पगार तुझे कौन देता है? ये दहेज में मिला है सर, उसी ने मुझे दिया था। थू, दहेज में मिला है, बेवकूफ कहीं का। सर क्या चल रहा है सर? हाँ बोलो। सुना है यहाँ खून हुआ है, वो भी दो दो खून हुए हैं दिन दहाड़े। ऐसे ही होता रहा तो पब्लिक का क्या होगा? आखिर चल क्या रहा है, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अच्छा ये बताइए, खूनी पकड़ा गया है या फिर ले देकर? कौन हो तुम? लोकल लीडर। किस पार्टी का? हा? जो पार्टी बुलाती है मैं उसी पार्टी से हूँ। कपड़ा निकाल। किस लिए? सर पर बांधा हुआ कपड़ा निकाल। निकाल दिया, बोलो क्या है? ए, इसे उठाकर जीप पे डालो। अरे लीडर बनकर आया है। अरे कहाँ का लीडर? ये गलत है। घर के चारों तरफ हमने देख लिया, अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है सर। हे परमेश। सर छत पर जाकर देख कहीं से उतरने की जगह है। ओके सर।
यहाँ से उतर सकते हैं। दो चार खपड़े हटा और नीचे जाओ। हाँ धीरे धीरे आराम से। हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा और। हाँ ठीक है आराम से। सर, खून करने वाला नीचे ही है सर। सर खून ही अंदर है, ये बात मैंने बड़े साहब को बता दी है सर। अरे तू पागल है क्या, ला। सर मैं फोन करने ही वाला था, डबल मर्डर नहीं है सर, सिंगल मर्डर है। बेटे ने ही मां का खून किया है, वो अंदर ही है सर। क्या सर, मैं हैंडल कर लूंगा ना सर। ओके सर। हाँ हे सर, तू अंदर जा। मैं सर? हाँ तू। ठीक है सर। अच्छा इधर आ। हाँ सर। इसे ले जा। आज इसका खेल खत्म। रुक जा रुक जा, मैं मारूंगा। रुक 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 जा, रुक मैं गोली मार दूंगा। रुक जा। मेरी माँ सो रही है, दवाई नहीं देगा? सर क्या है, आप खुद अंदर आकर देख लीजिए। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कोई आगे नहीं बढ़ेगा। हे इन लोगों को अंदर किसने आने दिया? चलो बाहर निकालो सबको। आउट। अरे पापी, तू इंसान नहीं है, अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली माँ को तूने खुद ही मार डाला। देख क्या रहा है, चल जा यहाँ से। अरे रुक जा, जन्म देने वाली माँ से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ है क्या? क्यों घूर रहा है, चल दफा हो जा। तू है तेरे पैदा होने पे, कभी तेरा भला नहीं होगा, तू बर्बाद हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा तू, कीड़े पड़ेंगे तुझे। बॉडी को सीधा करो। हे सबको पीछे हटाओ। लालक संयुक्त पूर्ण च
राम ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकुमीव बंधना मृत्युर्मोक्षीयमामृता ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याविहितं मुखं तत्त्वं भूषण्णा पार्वणौ सत्यधर्माय दृष्टये ओम सत्यं शिवं सुंदरम्। अरे राम, क्या है? चल घर चलते हैं। देख नहीं रही हो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तू आता है कि नहीं? सुनो माँ, तुम्हारे लिए तो ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, तुम उससे बात मत कर, जा। अरे माँ, चल सुनो जा। तो सुनना माँ, तूने उनको सपोर्ट किया ना, बिन बाप की औलाद। Decision making involves management versus operational analogy. Feasible methods are. शारदा मैडम, शारदा मैडम, क्या है? आपका बेटा वहाँ मारपीट कर रहा है। अरे आजा आजा चल। राम तुझमें अकल नहीं है? और तुझे क्या हुआ है? जानवर की तरह क्यों लड़ता है? अपने आप पर काबू नहीं रख सकता? उसने क्या कहा उससे पूछो। मैंने कुछ नहीं बोला है, तुम्हारा बेटा ही जो मुंह में है बोलता रहे। क्या कर रहा है? चल राम, जरा पूछ उसने क्या कहा। क्या कहा? पूछना। मैंने कुछ नहीं कहा मैडम। झूठ बोल रहा है वो। झूठ तू बोल रहा है, सारे लफड़े की जड़ तू ही है। मैडम गलती उसी की है, उसी ने गलत कहा था। क्या कहा? हे भगवान, बच्चों की जुबान से इतनी गंदी बात, तुझे शर्म नहीं आती क्या? जाओ सब लोग यहाँ से, यहाँ तमाशा हो रहा है क्या? कौन कहता है बेटा कि तू बिन बाप की औलाद है? हर बाप अपने बच्चे की सारी गलतियों को सुधारता है। तू मेरा बेटा है, भगवान का बेटा। क्या बोली? तू भगवान का बेटा है।
ए! मैं भगवान का बेटा हूँ। जो कुछ भी करता है तुम्हारी नजर में वो सही ही होता, गलत कभी होता ही नहीं। अब देखो, सुबह उसने उस लड़के को मारा, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाता तो क्या उसके माता पिता चुप रहते? इसका मतलब सारी गलतियां मेरे बेटे पर थोपकर उसे शरीफ कहेंगे क्या? देखो बेटी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ एक अकेली औरत अपने बेटे को पालने के लिए कितना कष्ट झेल रही है, लेकिन बेटी हर बात में उसका सपोर्ट करना गलत है। हाँ, सारे लड़के उसके खिलाफ हैं। आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ बेटी, जो सच है मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, अब तुम ही बताओ, वो दिखने में स्टूडेंट के जैसा दिखता है क्या? हाँ, एक गुंडा गुंडा के जैसा दिखता है। अब उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तुम्हारा हद से ज्यादा प्यार, और बेटी उसके अलावा साधु संतों की संगत। नहीं सर, जिस नजर से आप देख रहे हैं मैं उस नजर से नहीं देख रही। वो मेरी एक भगवान की तरह सेवा करता है, उसे छोड़कर मैं एक पल भी नहीं रह सकती सर। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। उसे कुछ दिनों के लिए अपने से दूर रख कर तो देखो, उसे किसी हॉस्टल में भर्ती करवा दो, उससे उसकी बुद्धि का विकास होगा और संसार में रहने सहने का तरीका भी सीख जाएगा। जरा सोच कर देखो बेटा। यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात्। उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस श्लोक का अर्थ ये है, ध्यान से सुनो। हम त्रिनेत्रीय वास्तविकता का चिंतन करते हैं जो जीवन की मधुर परिपूर्णता को पोषित करता है और हमारी वृद्धि करता है। ककड़ी की तरह हम इसके तने से मुक्त हों, अमरत्व से नहीं बल्कि मृत्यु से। ओम बम बम भोले मात्र देवो भव। तुम्हारी माता। माते शरणम। ए राम राम। क्यों पुत्री, इस झरने के सामने आने में बहुत विलंब कर दिया तुमने। भगवान से नाराज हो क्या? मैं भगवान से नाराज नहीं हूँ गुरुजी, तो आपसे। किस लिए? कोई छोटी सी गलती कर दे तो ये रुद्र अवतार धारण करता है। जब मैं पूछती हूँ ऐसा क्यों कर रहा है तो मुझे जवाब देता है, ऐसा मुझे गुरुजी ने कहा है। इस सब का कारण आपका उपदेश है। ये बताओ, ये संसार क्यों बना है? मानव से तो अपराध होते ही रहते हैं, अब भगवान बार बार दंड देने हेतु संसार में तो आ नहीं सकते। इसके लिए वो किसी को जवाबदारी देते हैं, उन्हीं में से एक तुम्हारा पुत्र है। आप क्या कह रहे हैं मैं तो समझ नहीं पा रही। दोबारा वो यहाँ ना आए ऐसा आप कुछ कीजिए। देखो पुत्री, हवा पानी रोशनी आग पंच तत्वों को कोई नहीं रोक सकता, ये सब कुछ स्वतंत्र हैं। उसी तरह तुम्हारा पुत्र भी है। हाँ, एक उदाहरण देता हूँ मैं तुम्हें। अगर एक चींटी काट ले तो हम उसे मार देते हैं, घोड़ा मालिक की बात ना माने तो उसे चाबुक लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि दुष्ट को सुधारने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, ये भी उसी में से है। तू यहाँ है? पेट में आग लगी है माँ, चलो खाना दो। बहुत जोरों से भूख लगी है माँ, चलना माँ खाना देना। टेबल पर रखा है, खुद निकाल कर खा ले। तेरे परोसे बिना खाना उतरेगा नहीं माँ, चलना माँ। मैं नहीं आऊंगी, खुद जाकर खा ले। नींद आ रही है माँ, खाना देना। मैं नहीं आती, जा। चलना माँ।
ऐसे घूर क्या रही है? चलो। अरे अरे हाथ छोड़, आ रही हूँ, छोड़। तेरा ये रोज का हो गया है, जल्दी से खाना परोस। मेरा क्या रोज का हो गया है? तू बार बार घूर कर पुलिस वालों जैसा क्यों बात करती है? मुझे वो पसंद नहीं है, ये सब अच्छा नहीं लगता। समझ गई ना मेरी प्यारी माँ? तुम खाना नहीं खाओगी माँ? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ माँ, मुझ पर नाराज हो? हाँ हूँ। किस लिए? तू मेरी कोई बात नहीं सुनता इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है माँ। क्या ऐसा कुछ नहीं है? जब देखो तब गुस्सा करता है, हर बात पे लड़ाई झगड़ा करता है। आजकल तू मेरी कोई बात नहीं सुनता। ये बात तुझे किसने कही? मैं तेरी हर बात सुनता हूँ ना। सच में? तेरे सर की कसम। मैडम। हाँ। शाम से आपका बेटा दिखाई नहीं दे रहा है मैडम। पुलिस कंप्लेंट करने से पहले सोचा आपको बता दूं इसलिए फोन किया है मैडम। कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं, वो यहीं पर है। वो पागल वागल है क्या? देखिए ऐसी बात मत कीजिए, कल से वो हॉस्टल में नहीं आएगा। मैडम इस बार अकाउंट्स का पेपर तुमने बहुत अच्छा लिखा है। मुझे लेक्चरर ने बताया कि पिछली बार से 10% ज्यादा मार्क्स मिले हैं। वेरी गुड बेटा, पता है आज मैं बहुत खुश हूं। हाँ एक मिनट यहाँ आना, ये पकड़, मैं अभी आती हूँ। मुझे अचार बनाना है, तुम जरा आके देख लोगी क्या? इस वक्त सब कुछ रेडी करके रखा है, बस मिलाना बाकी है। ठीक है चलो। तुम्हारे बनाने का तरीका अलग है ना शारदा, सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। शारदा माँ! ये राम राम ये सब क्या है? क्या माँ, तू भी मेरी आवाज सुनी नहीं? थोड़ी और देर होती तो क्या होता पता है? क्या हो जाता? तेरी सबसे फेवरेट मछली नीचे गिरकर तड़प रही थी, अगर वो मर जाती तो तुझे बहुत दुख होता ना, इसलिए ये मैंने तेरे लिए किया। मछली मरेगी तो तू दरवाजा तोड़ेगा? मैंने ये थोड़ी ना तोड़ा,
इस घर का रोज का सरदर्द है। दरवाजा मजबूती से लगाना भैया। जी मैडम। क्या बात है टीचर बहन, लगता है कारपेंटर का काम बहुत जोरों से चल रहा है। देखो हमारे घर की हालत, एक्वेरियम की मछली मर जाएगी ये सोचकर किसी को दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हुए तुमने देखा है कभी? ऐसे कौन जाता है? जाते हैं, हमारे घर के लोग जाते हैं। राम के बारे में कह रही हो क्या? वो कुछ दिन मुझसे दूर रहेगा सोचकर मैंने उसे कल हॉस्टल में भर्ती करवाया, लेकिन रात को खिड़की तोड़कर अंदर आकर वो सो गया था। मेरे बेटे का गुस्सा तोड़फोड़ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ आशा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में कुछ अनहोनी होने वाली है। हाँ? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। ऐसी बात क्यों सोच रही हो टीचर बहन, भगवान हमेशा अच्छों का भला ही करता है, तुम फिक्र मत करो। काम पूरा हो गया। जरा वो पर्स देना। हाँ। अब दरवाजा टूटेगा तो नहीं? बहन जी, सालों साल कुछ नहीं होने वाला इसे। तुम्हें मेरे बेटे के बारे में पता नहीं? चलता हूँ। हाँ आओ अंदर चलते हैं। हाँ। टीचर बहन। हाँ? चार दिन सुकून से नहीं रह सकता क्या? अब किसका खून बहाकर आया है बताना। एक लड़की के पीछे छह लड़के, ये तू नहीं समझेगी, उन्हें गलती की सजा मिली। शहर में हजारों लोग गलतियां करते हैं। नहीं करने दूंगा। मेरी आंखों के सामने गलत होता हुआ देखते खड़ा रहूं, ऐसा नामर्द नहीं हूं मैं माँ। मैं भगवान का बेटा हूँ। ये तुमसे किसने कहा? तूने ही तो कहा था ना माँ। कोई भी गलती करेगा तो तू सुधारेगा। हाँ। अगर मुझसे गलती हुई तो? बता ना, मुझसे गलती हुई तो जान से मार दूंगा। क्या बात है, अक्यूज्ड बहुत ही डिस्टर्ब लगता है। मैं खुद हैरान हूं सर, पूरी रात मां की लाश के पास सोया था, ऐसे में क्या होगा आप खुद ही सोचिए सर। इस खून की वजह क्या है, कुछ पूछताछ की है? वो मुझे पता है सर, लड़का आधा पागल है, उसका दिमाग ठीक से डेवलप नहीं हुआ, मारपीट गुस्सा, वो खुद ही गलती करता और मानने के लिए तैयार नहीं होता। पता नहीं उसकी मां कैसे। सर मैं शॉर्टकट में कहूं तो सच में वो एक पागल है। देख रहे हो चाचा, एक बेटे ने अपनी माँ का खून कर दिया। कलयुग आ गया है भैया, कलयुग। इसने मारा क्यों? अब क्या कर सकते हैं भाई, तीन दिन से इंक्वायरी में लगे हुए हैं, नो यूज। मर्डर स्पॉट पर उसका मौजूद होना और वहाँ जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो भी उसी के होना, ये बात कंफर्म करते हैं कि खून उसी ने किया है। बट वी वांट टू नो द रीजन बिहाइंड दिस मर्डर। हेलो
सॉरी, वो बिहेवियर पसंद नहीं आया होगा तो मर्डर कर दिया। hey, उसकी माँ उसके लिए जान थी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? पुलिस। पुलिस? तो ये भी पता लगा लो कि उसे बीमारी क्या है, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे। प्लीज, इस कंडीशन में अगर हम उसे कोर्ट में पेश करेंगे तो केस किस दिशा में जाएगा ये हमें खुद पता नहीं। उसे कस्टडी में रखा जाए या नहीं रखा जाए, सो आप अगर उसे देखकर ये सर्टिफिकेट दे देते हैं कि उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो हमें मदद मिल सकती है। ओके, पेशेंट कहाँ है? अजीब बॉल है। अच्छा, आवा। ओह, कैच, कैच, कैच। ओह, ओह माय गॉड। ओह, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। खेल खेलना है तो मैदान में जा। ओके। हेलो, व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? खैर छोड़ो, घर में कौन कौन है? ओके, मम्मी का नाम क्या है? ये बताओ, मम्मी ने कौन सी गलती की थी कि तुमने उन्हें मार डाला? अगर तुझे जिंदा रहना है तो यहाँ से चला जा। इट्स ओके, ओके। कोई ना कोई चाहिए। हेलो, क्या है? पॉइंट पर आओ। कोई ना कोई, यस, ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है। इस केस को एंटी सोशल मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं, मतलब अभी कुछ और रहेंगे, थोड़ी देर में कुछ और हो जाएंगे। छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्हें सजा देकर ही रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी जान लेने में भी पीछे नहीं हटते हैं ऐसे लोग। अरे, उनके सामने कोई भी हो, यस, अपना आपा खो दिया तो किसी पर भी हमला कर सकते हैं। उसे पता लगाने के लिए इट टेक्स टाइम, यस। अरे उतना वक्त यहाँ किसके पास है? नॉर्मली सर्टिफाई करो, जेल में डालकर केस क्लोज कर देंगे। हेलो पुलिस, मैं ब्रोकर नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। व्हाट इज दिस? हैं? इसे भी एक बार लेकर आओ, चेक कर लेता हूँ सही की है। बाय बाय। सर, इस पागल से अच्छा तो वो पागल है। ऐसी बातें मत करो, वो भी हमारी तरह पब्लिक सर्वेंट है। तुम उसे लेकर आ जाओ। हाँ ठीक है, उन दोनों से बड़ा पागल तो ये है। जल्दी। हाँ, चलो चलो चलो। क्या देख रहे हो? I'm sorry सर। क्या अविनाश जी, अगर आप लोग ही ऐसी गलती करेंगे तो कैसे चलेगा? मानता हूँ हमसे गलती हुई सर। क्या गलती हो गई? पुलिस वाले हो इसलिए तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हम। अब बातें मत करो, रास्ता खाली करवाओ। ठीक है सर, अभी करवाता हूँ। hey, गाड़ी पीछे लो, जल्दी करो। गाड़ी पीछे लो, पीछे लो। चलो चलो, आने दो, आने दो। आप बैठिए सर। आइए सर, बैठिए, चलिए। चलो सर। सर सर सर, राम भाग गया है सर। क्या क्या? हेलो, व्हाट इसके
एसपी ऑफिस को लाइन कर लो। उसकी जिम्मेदारी किस पर थी बताओ, किस पर थी? सर इनके ऊपर थी सर। मुंह चौपर ताव देना काफी नहीं है, होश में रहकर ड्यूटी करो। सॉरी सर। लाइन मिली क्या? एंगेज आ रहा है सर। फिर से लगाओ। यस सर। हेलो हेलो। यही इसकी माँ है ना? पोस्टमार्टम हो गया? हो गया सर। क्रिमेशन के लिए भेज दो। ओके सर। कॉलेज में राम का व्यवहार कैसा था? कॉलेज तो वो रेगुलरली आता था, कोई गलती करे तो जवाब मांगता था, ना मिले तो मारता था। इसलिए शारदा मैडम को प्रिंसिपल सर ने बुलाकर वॉर्न भी किया था। इसकी हरकतों की वजह से टीचर मैडम हमेशा परेशान रहती थी। दिन ब दिन वो ज्यादा ही मारपीट करने लगा था। मैडम कहती थी कुछ ना कुछ होने वाला है, और देखे ना वो आज सच हो गया। उसके घर में कौन कौन आता था? उसके घर में कोई नहीं आता था सर। क्यों नहीं आता? उस शैतान की वजह से। बकवास मत करो, जो मुंह में आया बक रहे हो। तुम उनके बारे में क्या जानते हो? देखो याद रखो, हमारी जुबान से निकली हुई बात से किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। जाओ यहाँ से। सर आप? मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, विरूपक्ष हेगड़े मेरा नाम है। शारदा सिर्फ मेरे कॉलेज में लेक्चरर ही नहीं थी, वो मेरी बेटी जैसी थी। देखिए हमने इसकी बहुत गहराई से टेस्ट की है, बट बच्चे की डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटी दिख रही है। This could be connected to brain or spinal cord. Spinal हुआ तो बच्चा विकलांग भी पैदा हो सकता है। Brain से संबंध हुआ तो बच्चा विक्षिप्त भी हो सकता है। It's all connected to CP. CP का मतलब? I mean cerebral weakness. बच्चे के पैदा होने के बाद उसके विकास पर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। शारदा ये बच्चा तुम्हें चाहिए कि? एक बाप होकर कैसी बात कर रहे हो? ये बच्चा जिंदगी भर दुख और तकलीफ झेले ऐसा मैं नहीं चाहता। मतलब इसे मारना चाहते हो? तुम चाहे कुछ भी समझो, लेकिन एक बात मैं बता दूं, मैं हमेशा ये चाहता था कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो। इस तरह के अपाहिज बच्चे को मैं जिंदगी भर नहीं ढो सकता। हर माँ बाप बच्चे का सपना देखते हैं, और पैदा होने के बाद उसके भविष्य का सपना देखते हैं। तुम जरा सोचो शारदा, अगर इस बच्चे को खो भी दिया तो दूसरे बच्चे के लिए तुम्हारा पति जिंदा है। भगवान की दी हुई इस औलाद के लिए मैं कुछ भी त्याग कर सकती हूँ, कितने भी दुख झेलने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं बहुत बड़े परिवार का बेटा हूँ, मैं एक पागल का बाप नहीं कहलाना चाहता। हाँ? जाना हो तो जाओ। पति को कहा मानकर वो चाहती तो इस बच्चे को खोकर दूसरा बच्चा पैदा कर सुखी जीवन जी सकती थी, लेकिन उसने अपनी सौलाद के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। वैसी माँ का इसने बेरहमी से कत्ल कर दिया।
शिवाय। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुक्मी वंदनात् मृत्युर्मोक्षी यमामृतात्। सर वो एक पुलिस वाले का बेटा है सर। पुलिस वाले का बेटा है तो अलग से सोचू क्या? नहीं सर मेरा मतलब था कि चुपचाप जाओ इसे बुला कर लाओ। ठीक है सर। लेक्चरर का बेटा हुआ तो पेपर चेक किए बिना मार्क्स दे देंगे। बैठिए। क्या सर मैंने सुना आपने मेरे बेटे को इंक्वायरी के लिए बुलाया। इसी इंक्वायरी क्यों कह रहे हो? बस थोड़ी क्लैरिफिकेशन करनी है। उसे कुछ पता है कि नहीं ये जानना चाहता हूँ। मेरा लड़का कॉलेज में पढ़ता है सर। उसे इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तो उसके फ्यूचर का क्या होगा सर? हेलो, जिसने कत्ल किया है वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता है, उसे छोड़ दूं? ड्यूटी के बारे में जानते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हो? लेकिन सर, वासुदेव, सर, तुम्हें कोर्ट ड्यूटी पर जाने के लिए कहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने शिवा से कह दिया है सर। कुत्ते से कहा तो वो अपनी पूंछ से कह रहा है, जो कहा वो करो। यस सर। सर तुम्हें नहीं मुझे। बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये एसआई साहब का लड़का है सर। सिट। नाम? सतीश कुमार सर। बाप का नाम? अविनाश। वो क्या करते हैं? इसी पुलिस स्टेशन में एसआई है सर। राम को जानते हो? कत्ल करने वाले राम को तुम कब से जानते हो? कई सालों से जानता हूँ सर। क्लोज फ्रेंड हो क्या? ऐसा नहीं है सर, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और हम पड़ोसी भी हैं। उसे कोई बुरी आदत भी है क्या? नहीं सर, ऐसी तो कोई आदत नहीं है। इतना कंफर्म होकर कैसे कह सकते हो? सर मैं बताता हूँ, लेकिन ये बात आप मेरे पापा को मत बताना प्लीज। बोलो। मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी सिगरेट पी लेता हूँ सर, और कभी कभी हम लोग पार्टी में बियर भी पीते हैं सर, लेकिन सर इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं लेता है सर, इतना तो मुझे यकीन है सर। इंक्वायरी के दौरान कुछ लोगों ने बताया वो पागल है? ऐसा नहीं है सर, वो बहुत अच्छा लड़का है लेकिन थोड़ा सा गुस्से वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शारदा मैडम से कोई गलती हो गई हो और गुस्से में? अरे नहीं सर, वो मैडम तो बहुत समझदार है। क्या बात है, बेटे को अच्छा कह रहे हो, माँ को समझदार कह रहे हो, तो इसका मतलब ये कि वो खून उसने नहीं किया है। ऐसा तो मैंने नहीं कहा सर, हो भी सकता है। कैसे हो सकता है सर? गुस्से में वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है, ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। देख यार, इस बार प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया मिला है, अगर इस बार मैंने ठीक से कर लिया ना तो अब्रॉड जाने की पूरी गारंटी है। मैं अब्रॉड जाऊंगा, वहां आराम से सेटल हो जाऊंगा। ठीक है सीधी छोड़ो।
पवित्र भावना है, तुम लोगों ने उसे रोग बना दिया। अभी माँ की याद आ रही है, उस वक्त याद नहीं आई। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरी इज्जत और जान बच गई। सर, लड़की को घुमाने की हिम्मत नहीं है तो उन्हें बाहर घुमाने मत ले जाओ। और तुम, अगर कभी तुम अकेली निकली और ऐसे गुंडे पीछे पड़ गए तो मार डालो उन्हें। हाँ? तुम्हारे अलावा उसके बारे में डिटेल से जानने वाला कोई और है? हाँ, बाबा नाम का एक ऑटो ड्राइवर है, वो कभी कभार उसके घर भी जाता है। मेरे से ज्यादा राम के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में वो बाबा जानते हैं। बाबा क्या है ये? बीच रास्ते में रजनीकांत के जैसे क्यों खड़े हो? अरे इसमें सब्जी भाजी है ना, वही देख रहा हूँ मैं। मैडम मुझे जाने के लिए रास्ता दोगे? रास्ता ही क्यों, कहें तो उम्र भर साथ चलूं। उंगली दी तो गर्दन तक पहुँच गए, यहाँ पागलों की कमी नहीं। अरे कुछ तो रहम करो मैडम, मेरे दिल को चुरा कर ले गई। बाबा रास्ता छोड़ो। ए रुक जा, बाबा नाम है ना तेरा? हाँ भाई हूँ। तुझे साहब ने बुलाया है। कौन साहब बुला रहे हैं? अविनाश साहब बुला रहे हैं। अविनाश? अरे उनके तो नाम में ही नाश है, काम क्या है? बोला को जानता है। अच्छा वो टीचर का बेटा राम क्या? हाँ भाई। अरे वो तो मेरा चेला है, शहर लेकर जाता है तो पूरा शहर ही घुमा कर लाता है। एक मिनट, कम हियर। मेरे इशारे पर खून भी कर सकता है। सर यही है बाबा, उसे यहाँ लेकर आओ। वहाँ क्यों बुला रहे हैं? अभी बताते हैं। क्या? साथ में चल, सब बताते हैं। अरे अरे कहाँ ले जा रहे? अरे सुना, तेरा नाम क्या है? बाबा। क्या बाबा? सर वो वाला बाबा नहीं सर, बाप का बेटा बच्चा बाबा। बाप का बेटा बच्चा बाबा? हम लोग खेत जोतने के लिए आए हैं क्या? मुझे क्या पता सर। हमने जो गलती की उसकी वजह से मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन आना पड़ा। बता सच क्या है, नहीं तो तेरी। अविनाश, मेरे ऊपर का गुस्सा तुम उस पर क्यों उतार रहे हो? उसे मेरे कमरे में भेजो। हेलो मुसीबत के रखवाले, सुबह से पूछ रहा हूँ क्यों मारो तो कोई बताता ही नहीं है। बोलिए ना, एक चाय तो पिला दे। बिरयानी खाओगे क्या? हाँ, आपके मुँह में घी शक्कर। खाऊंगा चिकन बिरयानी, बोल दीजिए गुरु। मैं भी तैयार हूँ। उठाओ उठाओ उठाओ। सर मटन बिरयानी मैं क्यों नहीं खाता आपको पता है सर? क्योंकि बकरे की बलि देना मुझे पसंद नहीं है सर। खाओ। हाँ हाँ सर। लेग पीस तो पका ही नहीं है, पैसे तो दिए है ना? कच्चा ही भेज दिया उसने। ए, पानी दो। सर मिनरल सर। सर जो खाया है गले में अटका है, आप अगर परमिशन दे तो बाहर से एक दम लगा के आ जाता हूँ, उसके बाद आप जो भी पूछेंगे मैं फटाफट। थैंक यू सर। दिल्ली मैच बॉक्स, यहाँ क्या कर रहा है? बाहर जा। सर नाम क्या है तुम्हारा? सर कमर को मजबूती देने के लिए रॉड डाला है, जरा एक कुर्सी मंगवा दीजिए ना।
ए, पैर नीचे कर। अब नाम बताओ। बाबा। गांव? बागलकोटे के पास। शादी? वो बुरे दिन क्यों याद दिलवा रहे हो सर? बच्चे? ऐसा अच्छा काम हुआ ही नहीं सर, अकेला सो सो कर आधी जिंदगी गुजारती। हाथ में वो रेखा ही नहीं है सर, देखिए। काम क्या करते हो? ऑटो चलाकर जिंदगी गुजारता हूँ सर। राम को तुम कितने सालों से जानते हो? सर वो मेरा लंगोटिया यार है सर, बस हमारा चेहरा अलग अलग है। शारदा टीचर कैसी है? कैसी है मतलब? अरे मतलब वो तुम क्या जानते हो उसके बारे में? बहुत अच्छी औरत है सर, देवी है। संक्रांति से लेकर दीपावली तक कोई भी त्योहार हो, जेब भर के पैसा, पेट भर के खाना कभी मिस नहीं होता। उनका लड़का थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन मैं जो कहता हूँ वही करता है। गुड, थैंक यू। तो टीचर मैडम तुम्हारी हर तरह से मदद करती है? हाँ बिल्कुल सही है। तो उनका खून करने के लिए तुमने क्यों कहा? मैंने नहीं कहा। सर मैंने चाय मांगी, आपने बिरयानी खिलाई, पानी पिलाया, सिगरेट पिलाया, आपके सामने की कुर्सी पर जब मैंने रजनीकांत का पोज दिया तो आपने कुछ नहीं बोला। तभी मुझे समझ जाना चाहिए था सर, आप सब पुलिस वाले मिलकर मेरी बजाना चाहते हो। बता तुझे क्या क्या पता है और वो सब डिटेल में बता। सर टीचर मैडम का मर्डर हो गया है ये मुझे आपसे अभी अभी पता चला सर। 10 दिन से इस शहर से बाहर था मैं, वो गुस्से की औलाद। उसने टीचर मैडम का मर्डर क्यों किया माँ कसम मुझे नहीं पता सर, 1 मिनट दीजिए याद करके बताता हूँ। अरे मैं तो चला, अरे जिधर चले रास्ता, आवारा हूँ आवारा हूँ। अरे क्या करे? आइए मैडम उतरिए। शादी के बाद सुख नहीं मिलता है ये सीक्रेट मुझे शादी करने के बाद ही पता चला। क्या है वो सीक्रेट? हनुमान के जैसा वो संजीव कुमार जी भी। अच्छा? इसीलिए कुमारे रहे, शादी का बोझ एक बार उठा लो तो जिंदगी भर उठाना पड़ता है। सामान नीचे रख दे। ओ भाई जरा सामान उतार, मजदूरी नहीं मिलेगी, खुद ही उतार दे। तू कोई अंबानी है क्या जो मुझे मजदूरी देगा? पकड़ ये भी ले। अरे बापरे, तुझे एक लिप किस दूंगा, पैसे मिलेंगे क्या? हाँ, एक दो तीन। बाबा। हाँ बोल। तू अपनी बीवी का नाम सुनते ही दूर भागने लगता है, उससे इतना डरता क्यों है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, जान जाने का डर है। बीवी से डर नहीं लगता है? बीवी से डर लगता है। मतलब तुझे अपनी जान की फिक्र है? तू भी क्या उल्टी सीधी बात कर रहा है, किसे अपनी जान जाने का डर नहीं होगा। बाबा आ रहा हूँ यार, ऑटो घुमा के ला, फिर राउंड लगा के आ, काम पटा कर तुझे घर ले जाकर छोड़ दूंगा, इतनी जल्दी क्या है, मैं अभी आता हूँ। अरे बाप रे बच गया। अरे हे काका ला। हाँ लो, 50 रुपए हुए भाई। शुक्रवार के दिन कोई पैसा देता है क्या? अरे, बात करता है। क्यों प्यारे, ये जो अभी मिली थी ये पुलिस वाले की लड़की है ना? जानता हूँ। वो कहीं काम करती है क्या? नहीं करती, पढ़ाई करती है मेरी कॉलेज में। हैं? कुछ ना कुछ तो चल रहा है ऐसा मुझे शक हो रहा है। मुझे नहीं पता। मुझे पता है। हे, क्या है? मरने का इरादा है क्या? तुम यहाँ मरने क्यों आई हो? इसने कहा मैं मरने आई हूँ? लव, मुझसे मिलने के लिए तुम रोज चक्कर लगाती हो ना? ओहो, ख्याली पुलाव पका रहे हैं। मेरे पापा कौन है पता है? तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है? हाँ पता है, और मैं यहाँ राम से मिलने आई हूँ। सुन लिया ना, सभी गवाह, सभी लोगों ने सुन लिया। बहन जी आपने सुना, इसके दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। सपना मैं संभाल लूंगी। यहाँ से हटो। रुको 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 रुको। अरे इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे प्यार में एक ब्रिज बन जाओगे। तुम्हारे प्रदक्षिणा करके आने से पहले कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा, लाओ। आहा, शुरुआत तो बड़ी अच्छी है, चलेगा। मतलब लव का कनेक्शन करवाने के लिए पैसों के लिए हाथ फैलाया, तुम्हें शर्म नहीं आई? सर शर्म करके खाली हाथ घर जाऊं तो बीवी भूखा सुला देगी सर। स्कूल जाने वाली बच्ची से तुमने पैसे लिए, वो गलत नहीं है क्या? सर सिगरेट पीना गलत है, शराब पीना गलत है, तो सरकार ने लाइसेंस क्यों दिया है? तुम्हारा लॉजिक करेक्ट है, ठीक है। वो लड़की कौन है? सर बताऊंगा तो परेशान हो जाएंगे। नहीं सर आप नहीं, सर मैं कोई बात नहीं बताओ। सर मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये लिख रहे हैं, इनसे बोलिए ना रुक जाए। जरा कान लाइए इधर।
हमारे सब इंस्पेक्टर अविनाश सर है ना, उनकी बेटी खुशी। ठंड लग रही है। नाम? गीता। एड्रेस? ज्योति गीता। फोन नंबर? लिख देती हूँ। लिखो। हेलो मुच्छड़ मामा। क्या है? एक सिगरेट मिलेगी क्या? जलती लकड़ी मुंह में ठूस दूंगा। अरे तुम लोग तो हट्टे कट्टे चर्बी चढ़े हुए लोगो, मेरे जैसे कमजोर पर भी ध्यान दो। तू जरा सोच समझ कर बोला कर, जब साहब थे तब क्यों नहीं कहा उनसे? आप लोगों ने कहा था मैं सच बोलूंगा तो छोड़ देंगे, क्या ये अंदर ही सड़ा रहे हैं मुझे? पहले पता होता ना, आप लोगों का साथ कभी नहीं देता। मैं जाऊं सर? दिव्या। हां सर। नमस्ते भाई। हाँ? नमस्ते। क्या हुआ भाई, आप अंदर हैं? एक छोटे से मर्डर केस में इंक्वायरी के लिए बुलाया और मुझे अंदर डाल दिया। और आपको? मैं घाट के ऊपर रहता हूँ भाई, मुझे हाँ? सभी लोग प्यार से मामू मामू कहकर बुलाते हैं। अच्छा, करते क्या हैं आप? जैसे इस वक्त आप अंदर ठंड से कांप रहे हैं ना, वैसे ही बाहर ठंड से कांपने वालों को मैं गर्म करने का काम करता हूँ। मैं तो समाज सेवक हूँ, फिर भी मुझे पुलिस वालों ने अंदर कर दिया है। अरे क्या बताए इन लोगों को, अच्छे लोगों को तो पसंद ही नहीं करते ये। अरे हमारे जैसे गरीब को अंदर लाके सड़ा रहे हैं लोग। जी हाँ। ए नमस्कार मामा। नमस्कार सर। अरे जो तुम्हें छुड़ाने आई थी वो कहाँ गई? सर आपने बोला और बस वो हाजिर हो जाएगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अबे हम यहाँ पर क्या कोठा चलाते हैं? ये लोग तुम्हें किस नाम से पुकार रहे हैं? मामू कहते हैं। अरे तुम्हारी दिमाग की ऐसी की तैसी, अरे तुम्हें पता है मामू किसको कहते हैं? ठीक, छोड़ो ना मामा। मुझे मामू बोलने का नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के पास खड़े भी नहीं होना चाहिए, चल निकल। ए जल्दी आ रे, शाम की ट्रेन से तुझे गाँव से बाहर भी जाना है। बैठ जाओ। तुम्हारा छठवां नंबर है, यहाँ पर साइन करो। है ये मेरी बेटी है। सलाम वालेकुम, मैं हूँ, मैं हराम की नहीं खाता, आपसे जो पैसे लिए हैं ना ब्याज के साथ इंस्टॉलमेंट में लौटा दूंगा। साहब जी से जरा मेरी सिफारिश करके यहाँ से बाहर निकलवा दीजिए ना प्लीज। एक दिन मैं तुझे दिखाऊंगा। वो दिन कभी ना आए, मुंह खोलते ही आग उगलता है, प्यार से तो बोलना ही नहीं आता इसे। खुशी हाँ? तो जैसी बेटी पैदा करके मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। खुशी, शारदा मिशन कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हो, बाप सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, माँ हाउसवाइफ, रेस्पेक्टेड फैमिली, लेकिन बेटी अक्यूज्ड लवर। इस उम्र में प्यार होना आम बात है, मैंने भी अपने कॉलेज के दिनों में ट्राई किया था। पहले ही सोच लेना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन कितना परफेक्ट है। अब देखो तुम्हारा सिलेक्शन कितना गलत निकला। हाँ, मेरा मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। कमिंग टू द पॉइंट, जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें पता है, हमें चाहिए राम के बारे में पूरी डिटेल्स। तुम जो कुछ भी जानती हो वो बता दो, तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। वैसे घर ही जा रहे हो ना, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं। ओए ओए ओए, दो सीट हैं, उसमें से एक खाली है, आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा रेप नहीं करूंगी। क्या हो गया? सेफ्टी के लिए। ओहो, इस मक्खन को पिघलाने के लिए सच में आग लगानी पड़ती है।
मिस्टर राम, लिफ्ट दी उसके लिए थैंक्स तो बोल दो। थैंक्स। वेलकम। हाय रे। माँ, माँ। खुशी। हाँ पापा। कॉलेज से आ रही हो? हाँ पापा। साथ में राम भी आया था ना? वो अकेला पैदल जा रहा था, तो मैंने ही उससे कहा कि घर तक ड्रॉप कर देती हूँ। बस इतना ही ना, और तो कुछ नहीं? नहीं पापा। होना भी नहीं चाहिए। आंटी, आंटी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। हलवा बनाया है, खाओगी? ओहो हलवा? नहीं पापा नहीं, मेरा पेट तो भरा हुआ है। ये चलेगा। पापा घर पर नहीं है क्या? हिम्मत करके आई है यहाँ? वो तो काम से गए हैं। कॉफी पियोगी? ये लो बेटा कॉफी। जरा बाजू हटना, मुझे भी टीवी देखना है। कॉफी बहुत अच्छी है। थैंक यू। जब देखो तब यही चैनल देखता रहता है। ये लॉजिक नहीं आंटी, है यार। ये चैनल बहुत बोरिंग है, मुझे दीजिए, मैं लगाती हूँ। रिमोट उसको क्यों दिया? उसे जो देखना है देखने दे। जरूरत नहीं है। रिमोट लेकर दो। नहीं दूंगी तो क्या कर लोगे? शारदा माँ, रिमोट लेकर दो। मैंने कहा रिमोट नहीं दूंगी। थैंक्स। एक खुशी, एक बार और सोच ले। पोस्ट कार्ड के जैसा वो, स्मार्ट कार्ड के जैसी तू, तुम दोनों कैसे मैच होगे? हाँ यार, जब देखो तब चिल्लाता रहता है, मजाक कर रहा है या गुस्से में है कुछ समझ ही नहीं आता उसका। तुझे तो पता है हमारे कॉलेज में सुपरमैन, स्पाइडरमैन सब हैं, लेकिन इस स्पेसिमैन पर तू कैसे फिदा हो गई? सुन, उस दिन एक लड़की का रेप हो रहा था, तब इनमें से कोई बचाने नहीं गया, पर गया कौन? वही स्पेसिमैन। इंसानियत कभी भी लोगों के कपड़ों में या उनकी बातों में या फिर उनके स्टाइल में कभी नहीं दिखती, वो तो दिल में दिखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लड़कियों की इज्जत करता है, इसी बात तो मैं उससे प्यार करने लगी। मानते हैं यार, लेकिन उसका लुक और अपीयरेंस भी होना चाहिए ना। हाँ, तो तुम प्यार अपीयरेंस देखने के बाद करोगी? अपीयरेंस अच्छा लगा तो पेरेंट्स बीच में आएंगे। डिसअपीयर हो गया इसका मतलब प्रेग्नेंट हो गई। बकवास बंद कर। ए, तुम लोग चुप रहो यार, वरना ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। ये सब छोड़, तू उसे पसंद करती है ना, तो तेरी किस्मत, कोई क्या कर लेगा। अरे यार, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि उससे जाकर अपने प्यार का इजहार कैसे करूँ। देख, भले ही वो दिखने में अजीब सा लगता है, लेकिन बाकी के मामलों में एकदम परफेक्ट है, इसलिए वो किस वक्त किस मूड में रहेगा ये सोचना होगा। वो तुम मुझ पर छोड़ो, मैं डील करूंगी। ए, मतलब तू उस पे लाइन मारने वाली है? तेरी तो। हाय राम। क्या पढ़ रहे हो? लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन सी बुक है? एक लड़की पास बैठी है तो उसके और करीब आने का दिल नहीं करता। तुम्हारी गोद में बैठ जाऊं? अरे क्या मुश्किल है ना। बहुत ठंड लग रही है, सोचा थोड़ी गर्मी ले लूं। हाँ छोड़, तुम छुड़ा लो ना।
क्या बोली क्या बोली तेरी तो पास में छोड़ूंगा नहीं तेरा पागल बोलती है अरे राम रुको जा पढ़ाई करना छोड़ के लड़के को छेड़ती है उस दिन मैं बहुत खुश हुई थी लेकिन अपने प्यार का इजहार करने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी यही हमारी कहानी है इतना ही इतना ही अब मैं जा सकती हूँ ना इतना ही था तो तुम्हारे पापा ने राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसे अंदर क्यों नहीं किया ये मैं नहीं कह रहा हूं क्या बात है सर अकेले में क्या सोच रहे हैं क्या मतलब सोच क्या रहे हैं सर अपनी माँ के पास ऊपर जाने को सोच रहा हूँ चलेगा अरे नहीं सर मैं अरे तो बस ऐसे कहाँ जा रहे हो हे तू क्यों हंस रहा है मेरी बीवी प्रेग्नेंट है सर तो जाना बताओ शोर है यहाँ गली गली बोलो अब कुछ ना छिपाएगी आहा बाबा लाओ 100 रुपए और कितने दूं तुम्हारे पापा पूरे शहर में काँव काँव करके ढिंढोरा पीट रहे हैं हे मेरे पापा वैसे नहीं हैं हेलो मैं जो मांग रहा हूँ वो टिप्स नहीं है फीस है ये लो तुम्हें एक बात बताऊं तुमने पैसे दिए हैं सुनना तो पड़ेगा ही बोलो दिखने में बाप की उम्र के हो पैसे लेकर मेरा काम नहीं कर रहे मैं तुम्हें पैसे क्यों दे रही हूँ क्योंकि सैलरी मैं तुम्हें इंग्लिश में वही समझा रहा हूँ पहले तुम्हें क्या बात करनी है कैसे बात करनी है फैसला कर लो 100 रुपए दो और जाकर के मिल लो ये लो रखो एक्सक्यूज मी एक सिगरेट पियोगी अरे दम से गम कम होता है भाई ए, क्या लेडी बाहुबली के जैसी घूम रही है तुझे यहाँ क्या काम है वो ना राम आए एग्जाम में मार्क्स कम आए ना इसलिए पिताजी चिल्ला रहे थे तो ठीक से पढ़ना कॉलेज में अटेंडेंस कम हुई इसलिए प्रिंसिपल ने नोटिस बोर्ड में नाम लिखा अटेंड किया होता तो ऐसा नहीं होता हे मेरे दिल की बात कम से कम तुम तो समझा करो तुम्हारे साथ रहने का तुमसे बात करने का कितना मन करता है अगर तुम मिल जाओ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए यही सोचकर रात में नींद नहीं आती है कॉलेज फ्रेंड्स घर वाले कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगता पता है समझ गया समझ गए तू पागल हो गई है किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कर पागल नहीं हूँ मुझे आजकल खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है मुझे खाना खाए 3 दिन हो चुके हैं एक देना देता हूँ साहब ये लीजिए ये ले ठीक है हाँ ये किस लिए 3 दिन से कुछ खाई नहीं है ना तो खा रुको कौन सी भाषा में कहूँ जो तुम समझोगे हिंदी में बोल हाँ तुम क्यों नहीं समझ रहे हो हे मैंने इतनी सारी बातें कही तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया राम ये प्यार है यार I love you so much. मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी राम मैं नहीं जी पाऊंगी सच कह रही हूँ लड़कियाँ रोते नहीं है आंसू पोछो नहीं पोछूंगी जब तक तुम्हारा प्यार नहीं मिलेगा मेरे आंसू नहीं रुकेंगे क्या चाहती हो तुम्हें मुझसे प्यार है यही ना ठीक है करो प्यार
क्यों हंस रहे हो बेटा? माँ, पता है आज हमारे सामने वाली खुशी पागल जैसे बात कर रही थी। क्यों, तूने उसे किसी बात पर डांटा? नहीं माँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये करती हूँ, पसंद करती हूँ, वो सब बोल रही थी। खुशी, आंटी, खुशी, मुझे मौत से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं जी रही हूँ। मैं मर गई तो मेरे बेटे का क्या होगा, यही सोचकर डरती हूँ। लेकिन आज वो चिंता दूर हो गई। सारा संसार मेरे बेटे को अलग नजर से देख रहा है, लेकिन तू उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर आई है बेटा। थैंक यू, थैंक यू। आंटी, प्लीज। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। इस वक्त यहाँ क्यों आई थी? वो नोट्स चाहिए थे इसलिए। इस वक्त कौन सा नोट्स लेने आई थी? मुझे बेवकूफ समझ रही है? तेरा खेल देखकर मैं चुप रहने वाला मुझे नहीं हूँ। अरे जवान बेटी पर क्यों हाथ उठा रहे हैं? आखिर इसकी गलती क्या है? ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर ट्रांसफर लेकर इस शहर में आया है, उसकी एक खूबसूरत लड़की भी है, उसे किसी तरह से अपनी जाल में फंसा लेंगे तो लाइफ सेटल हो जाएगी, ऐसी प्लान बना रही हो? जो मुँह में आ रहा है बके जा रहे हैं। तो और क्या बोलूं? अरे तुम कैसी माँ हो? देखिए आप बेमतलब की बातें कर रहे हैं। अरुणा समझाओ इन्हें। ये क्या समझाएगी? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है? चल जाके सोते हैं। चल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पागल को देखो कैसी नौटंकी कर रहा है। देखिए मेरे बेटे को पागल मत कहिए। पागल को पागल नहीं तो और क्या कहूँ? चुप रहे। माँ ये क्या बोल रहा है, इसे कहो चुप रहे। उंगली दिखाकर बात करेगा तो तेरे हाथ काट दूंगा। बहुत हो गया, हाथ छोड़ दो, यहाँ से जाइए। तेरा बेटा चिल्लाएगा तो क्या मैं डर जाऊंगा? इसे चुप रहने कहो। इसे अंदर लेके जाओ। पापा मैं आपके हाथ छोड़ दूंगा। देखो मां मुझे गुस्सा आ रहा है, चुप रहने कहो। छोड़ दे, तू क्या करेगा, क्या बिगाड़ेगा मेरा? अरे 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 अरे। बस कीजिए, आप सदा शांत नहीं रह सकते क्या? ये सब तेरी वजह से हुआ है। चल चुपचाप, चल अंदर जा। पापा मैंने ऐसा क्या किया है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? मुंह से एक शब्द भी निकाली तो? बस बहुत हो गया, यही जानना है ना कि मैं इतनी रात को वहाँ पर क्यों गई थी? मैं राम से प्यार करती हूँ। क्या कहा? प्यार? प्यार करती है तुझसे? तेरी इतनी हिम्मत? इसकी इतनी हिम्मत? ये राम से प्यार करती है? छोड़ो मुझे, और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से मार दो इसे। जो राम मेरे गले में नहीं है, मेरी नहीं है। ये सब तेरे लाल प्यार का नतीजा है। प्यार करती है, प्यार से प्यार करती है। हम प्यार करके शादी कर सकते हैं, मैं प्यार नहीं कर सकती क्या? नहीं पापा, मैं राम को नहीं भूल सकती। पापा नहीं भूल सकती। नमस्कार कारगिल पुलिस स्टेशन, मैं ऑफिसर अविनाश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। दो महीने से जिस ड्रग्स के धंधे वाले को ढूंढ रहा था वो मिल गया, उसका नाम राम है। मैं क्या करूँ सर? FIR तैयार करो। है मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है सर। हाँ, वो बहुत बड़ा गुंडा है। पापा, पापा, उसकी माँ है, नाम शारदा है, समझ गए? जल्दी उठाओ उसे। प्लीज पापा, प्लीज पापा, राम के साथ ऐसा मत कीजिए। पापा वो बहुत अच्छा इंसान है, उसे कुछ नहीं पता। आज के बाद मैं उसकी सूरत भी नहीं देखूंगी, उससे बात नहीं करूंगी। प्लीज पापा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। प्लीज उसे कुछ मत कीजिए पापा। रिपोर्ट लिख दी क्या? रेडी कर रहा हूँ सर। उसे वहीं रोक दो, जब मैं कहूं तब लिखना। ठीक है सर। हाँ, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। हुँ।
कहानी खत्म हो गई, लेकिन आंसू नहीं थमे तुम्हारे। That's love. You may go. Thank you. Sir, मैं नहीं जानती राम ने अपनी माँ को मारा या नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है। लव की ताकत यही तो है, एक खूनी को भी अच्छा इंसान बोलने लगता है। खुशी, अपने आंसू पोंछ कर जाओ बेटा, वरना तुम्हारे पापा तुम्हें फिर मारेंगे। पापा, उधर क्या देख रही हो? अभी भी होश ठिकाने नहीं आया, चलो। सर, राम को लेकर आओ। बताओ, खून क्यों किया तुमने? बताओ, तुमने अपनी मां को क्यों मारा? तुमने अपनी मां की जान क्यों ली? बताओ, तुम्हारी मां ने किसी के साथ भागने का प्लान बनाया था क्या? पागल राम को नहीं भूल सकती कह रही है ना, तो समझ ले इस दुनिया में तुझ जैसी बेवकूफ और कोई नहीं। ये सोच ले, जो हुआ अच्छा हुआ। तू समझदार है, लोगों को परखने की समझ है, तो क्यों बेवकूफी कर रही है? वरना सोच ले, तेरी इस कहानी का आखिरी दम तक एंड नहीं होने वाला। क्या हो गया इसे? अरे क्या है क्या? उस पागल के पीछे मरी जा रही है ये। हाँ ठीक है माँ, मैं बोल दूंगा उसे। हाँ मैं आता हूँ। ओ हेलो, सुनो। क्या हुआ? फोन करना था, मिलेगा क्या? सर ये बोल रहा है इसे फोन करना है, मैं दे दूं क्या? ए क्या बात है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? सर शेर के जैसा घूम फिर रहा था, कुत्ते की तरह अंदर कर दिया। जब मैंने गुनाह किया ही नहीं तो मुझे अंदर क्यों सड़ा रहा है? हमने कौन सा गुनाह किया है यार, भूखे प्यासे पुलिस स्टेशन में मरते हैं। ये तो तुम्हारी किस्मत में लिखा है भाई। ज्यादा चिल्लाओ मत, रूल्स मुझे भी पता है। गब्बर सिंह जरा इधर आओ। गुरु बिरयानी चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बॉस, उस राम की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, बिल्कुल निर्दोष हूँ, मुझे जाने दो गुरु। नहीं प्यारे, तुम घर में जाओगे तो तुम्हारी बीबी तुम्हें टॉर्चर करेगी। यही सर 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 सर, ये कह रहे थे दो दिन से यहाँ पानी नहीं आया इसलिए क्वार्टर पी रहे हैं, और इनकी बीवी ये घर पर ना जाए इसलिए पाइप ही तोड़ दिया है, उसका गुस्सा मुझ पर निकालना है। सर मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ कि कोई भी आकर बजा देगा सर।
क्या कह रहा है ये? इसे मारा है क्या? सर बस जस्ट इंक्वायरी। मुच्छर, इंक्वायरी होता तो मेरा ये हाल होता क्या? सुनो हाँ, तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते। जब भी बुलाओ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ओके बॉस, थैंक यू बॉस। मुच्छर जा कर रहे हो, वापस आओ, दरवाजा खोलो। ठीक है, ये लो साइन करो। ओनली फिंगर्स, उसे ही लगाना। ओपन। अलख निरंजन, चल चेतक घोड़े, अब तू अपने घर के रास्ते पे चल। ए, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। एक्सक्यूज मी। नमस्ते सर। क्यों, साहब से मिलने आए हो क्या? नहीं, मैं राम से मिलने आया हूँ। क्यों भाई, अंदर कोई रामायण का पाठ चल रहा है क्या कि तुम लोग राम से मिलने आए हो? प्लीज अंकल, सिर्फ 10 मिनट के लिए, हम मिलकर आ जाएंगे। देखो, दो लोगों को नहीं भेज सकता, एक ही आदमी जाएगा। 5 मिनट में साहब आने वाले हैं, उसके पहले आ जाना। ओके अंकल, मैं मिलकर आता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। राम, 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 कैसा है यार तू? क्यों इतनी जिद कर रहा है? मुझे तो कम से कम सच बता दे, फोन तूने किया है कि नहीं किया? तुम्हारे कहने से वो कह देगा क्या? पुलिस स्टेशन में हर किसी ने पूछ के देख लिया, इसने नहीं बताया अभी तक। ए शिवा, जल्दी ने बात कराकर बाहर भेजो, साहब के आने का टाइम हो गया। राम, गलती मान लेने से सजा कम भी हो सकती है यार। राम, ठंडे दिमाग से सोचना एक बार प्लीज। राम, बच्चों की तरह मत रो यार, गुनाह किया है तो कबूल कर लो। शर्ट छोड़ना, तू बात को समझ क्यों नहीं रहा है? बेकार में सब पे अड़ा हुआ है तू। ए शिवा, सर मेरी, ये यहाँ अंदर कैसे आया? सर बोल रहा था 1-2 मिनट बात करके चला उसने जाऊंगा। कहा और तू मान गया? सर वो, ए तू यहाँ पर क्यों आया? पापा, राम से बात करने के लिए आया था। इससे बात कर करके ऑलरेडी मेरी इज्जत जा चुकी है, अब जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसे तू बर्बाद करेगा? पापा, मैं बात करूंगा तो ये मान जाएगा, ये अच्छा लड़का है पापा। वो अच्छा है या बुरा इसका फैसला करने के लिए हम हैं। तू जाए यहाँ से, चल जा। माँ, 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 क्या हुआ तुझे? माँ, 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 उठना माँ, माँ उठना, माँ उठना, माँ, माँ, माँ उठना माँ। सुनना माँ, बोलना माँ, माँ किससे किया ये? माँ बोलना, माँ, 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 किसने मेरी माँ को मारा? माँ, सुनो माँ, माँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कोई बात नहीं, सुनना माँ, तू इतनी गहरी नींद में क्यों सोई है? माँ तेरी कसम, तू जो बोलेगी वो मैं करूंगा, आज के बाद किसी से नहीं लड़ूंगा, सच कह रहा हूं माँ। सुनना माँ, ठीक है कोई बात नहीं। ए माँ, माँ, माँ सुनना, सुनना माँ, उठना माँ, माँ उठना, उठना माँ,
उठना। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर क्या है? सब इंस्पेक्टर के बेटे के जैकेट का बटन। सर ये बटन मेरी मां के लाश के पास। मुझे यहां पर ऐसे क्यों लाए हैं? सतीश ये जैकेट तेरा है या नहीं ये जानने के लिए। ये खून से सना हुआ बटन शारदा मैडम के घर कैसे पहुंचा ये जानना है। तुम उनके घर क्यों गए थे ये जानने के लिए। देखिए सर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रहा। कोई मतलब नहीं है। नहीं बताते हो या तुम्हें भी उस मैडम के पास भेज दूं? से सब याद है। चलते हैं मैडम। हाँ, ठीक है बाय। सतीश ये गंदी आदत तुझे कब से लगी है? जो तेरे पिताजी को बताती हूँ। मैडम 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 नहीं मैडम मैडम प्लीज मैडम प्लीज ऐसा मत करना मैडम। देखिए मैडम मैं आपका मैडम सॉरी मैडम मुझसे गलती हो गई। मैडम मैडम प्लीज मैडम मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा मैडम प्लीज पापा को मत बोलो। कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा तू निकल यहाँ से। तेरे पिताजी सबको अकल सिखाते हैं। जब लोगों को पता चलेगा कि उनका ही बेटा ये सब हरकतें कर रहा है तो उन्हें कितना दुख होगा। इस बार मेरे से गलती हो गई मैडम दोबारा ऐसा नहीं करूंगा प्लीज मैडम माफ कर दो मैडम प्लीज। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी तभी तो तुम सुधरोगे। आज मैं चुप रहने की गलती नहीं करूंगी। मैडम प्लीज मेरा यकीन करो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। निकलो यहाँ से गेट आउट। देखिए मैडम मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ फोन मत कीजिए वरना मैं जान से मार दूंगा। क्यों रे चाकू दिखाकर डरा रहा है? चल निकल यहाँ से। मैडम मैं आखिरी बार कह रहा हूँ फोन मत कर फोन रख चल। क्या कहा? जिसे मैंने पढ़ाया लिखाया वो मुझे ही धमका रहा है। चल निकल यहाँ से। देख लिया इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया था तो इज्जत इज्जत करके चिल्ला रहे थे। अनकुनी खाकी वर्दी का सहारा लेकर छुपा बैठा हुआ था अब बेगुनाह लॉकअप में सड़ रहा है। सर आप सिर्फ अच्छा बाप बनना ही काफी नहीं है
खाकी यूनिफॉर्म देने वाले डिपार्टमेंट के लिए भी वफादार होना चाहिए। अब तुम अपने बेटे को खुद ही ले जाकर लॉकअप में डालो। प्लीज सर, मुझसे नशे में बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ पापा, प्लीज इन्हें समझाओ ना, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मैंने जानबूझ के नहीं मारा उन्हें पापा, प्लीज पापा, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ पापा, मुझसे नशे में गलती हो गई। कहना क्या चाहते हो? इसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी सर, जरा सोच कर देखिए सर। सर ये केस यहीं पर। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? यू आर अनफिट टू बी अ पुलिस ऑफिसर। अब साबित हो गया है तुम भी एक क्रिमिनल हो। तुझे मैं मार दूंगा। सतीश बताना वरना मैं छोड़ूंगा किसी को। सामने बताना वरना मैं गोली मार दूंगा। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, बोला ना पीछे हट जाओ। मेरे सामने बताना वरना मैं गोली मार दूंगा। अरे जालिम, तूने ये क्या किया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे जेल में सड़ा दूंगा। तूने मेरे ऑफिसर को मार दिया। हेलो एसपी ऑफिस, मैं कारगर पुलिस स्टेशन से पीसी परमेश्वर बोल रहा हूँ। अविनाश सर का लड़का सतीश हमारे इंस्पेक्टर सुशील कुमार को और अपने पिता को शूट करके फरार हो गया है सर। इतना ही नहीं, शारदा मैम का भी उसी ने खून किया है सर। सर, पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा हादसा हुआ, गोली कोना जाने के बाद भी डिपार्टमेंट चुप क्यों है? किसने कहा कि डिपार्टमेंट चुप है? पुलिस स्टेशन में ये हादसा करने वाले को अरेस्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हमारी इंक्वायरी चल रही है, वो खत्म होने के बाद ही हम सही रिपोर्ट दे पाएंगे। कोई आई विटनेस भी है क्या सर? देखिए, इस मामले में एसआई आई विटनेस है, उनके स्टेटमेंट के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। टीचर का मर्डर उनके लड़के ने किया है, इसलिए उसे अरेस्ट किया था। अब कह रहे हैं कि बेगुनाह है। जी हाँ, लेकिन वो पुलिस के गिरफ्त से फरार हो चुका है। सर, अगला कदम क्या होगा? देखिए, शहर में ऐसी घटना दोबारा ना होने पाए, इसके लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे। सर, 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 एक सवाल और। हम फिर चेकअप के लिए आएंगे। सर, आप कैसे हैं सर? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंस्पेक्टर, सुशील कुमार मेरे बेटे की सच्चाई जान गए थे, इसीलिए मेरे बेटे ने उनका खून कर दिया। ऐसे नीच औलाद का जन्म देने से अच्छा होता मेरी कोख सुनी रह जाती। उसने दो दो घरों को बर्बाद कर दिया। इन्हें कुछ हो जाता तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होता? रो मत माँ, शांत हो जाओ। इंस्पेक्टर, मेरे बेटे को ढूंढ कर उसे जेल में डालो, नहीं तो वो राम की भी जान ले लेगा। प्लीज उस बच्चे को बचा लो। डोंट वरी सर, मैं सब संभालूंगा। खुशी जी पापा, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं, प्लीज प्लीज पापा, प्लीज। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, मैंने राम को भी गलत समझा। प्लीज पापा। क्या यार, तेरा चेला तो भाग गया, देख पेपर में आया है। सन प्यारे, अपने चेले की वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाकर मसाज करवानी पड़ी, क्या किस्मत है। वो सब कहाँ गया होगा, तुझे बता के नहीं गया क्या? तू भी टांग खींच रहा है क्या बे? बोल, जो बोलना है बोल, मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगा बस। हे, जा रहा यार। हे, अरे 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 सर, सलाम वालेकुम सर। राम कहाँ है? क्या मेरे पीछे पड़े हैं सर, माँ कसम मुझे नहीं पता है सर। ए, कहाँ है बता दे, जल्दी बता वरना हम तुझे पकड़ कर ले जाएंगे। आहा, बड़ी अच्छी बात है सर, मिलते ही पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना। ठीक है, कर दूंगा। अच्छे अच्छों को मौत आ जाती है, इनको पता नहीं कब आएगी।
जिंदगी हंसने का नाम है, चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो। किसी ने सच कहा है, शादी का फल मीठे से ज्यादा खट्टा है। हाँ हाँ, सबकी नींद खराब करके देखो तो जनाब आराम से सो रहे हैं। ये बात मुझे पता होती तो इस घर में कभी नहीं आता। बाहर पुलिस वालों का डंडा, घर में बीबी का फंडा, अब तो मुझे क्या तोहफा देने वाले हो राजा? अगर मैं तुझे पकड़वा देता हूँ तो यस। इसे ऐसे नहीं मार सकता। मर गया। माँ। हाँ? हाँ? अरे मर गया। अरे बाप रे। अरे तू मुझे ऐसे मत देख, तेरी भद्रकाली जैसी सूरत देखकर मेरी जान निकल जाएगी। आज तो मेरी लग गई। अरे बीवी। हाँ बोलो, क्या हुआ था? सर, जब मैं सो रही थी तो मेरे पति ने मेरे सर पर मारकर मुझे मारने की कोशिश की। अटेम्प्ट टू मर्डर 307, इस धारा के बारे में सुना है क्या? हाँ, आगे क्या हुआ? एक रुपया कमाता नहीं है सर, रोज पीकर आता है और मुझ पर जुल्म करता है। सर, हरासमेंट 498A। आगे? सर, इसे देखकर मुझे लगता है इसने जरूर किसी बाहर वाली के साथ अनैतिक संबंध रखे हुए हैं। अनैतिक संबंध सर, 484 लगाओ। आगे बताओ। हेलो मुच्छर, पूछ पूछ कर केस बना रहे हो क्या? ये कोई डिग्री का मार्क्स है क्या? ये डिग्री तो कुछ भी नहीं है। हाँ? थर्ड डिग्री बाकी है। ये लो साइन करो। तीन लोग मिलकर मुझे अंदर ले जाने का प्लान बना रहे हैं, मतलब कहीं मेरी बीवी को तो सेट नहीं करना चाहते हैं ये। क्या है? अरे काले कलूटर, तेरे मुंह में आग लगे? इस तरह सोचते हुए तुझे शर्म नहीं आती? सर, इसे जिंदगी भर जेल में सड़ने दीजिए। अरे सुनो पतिव्रता, तुमने जो साधना की है ना, उसके लिए किसी दरगाह पर जाकर तेरी मूर्ति बनवाऊंगा मैं। तुझे मौत आ जाए, तू बर्बाद हो जाए। रामायण की सूर्पनखा इसके रूप में वापस आई है। कहाँ हो रहा? देखो, मेरा रास्ता मत रोको। हाय सर, हमें मिल गया सर। सर्च Hara 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 h
क्यों आई? किसे लाई है तू अपने साथ? मैं किसी को साथ नहीं लाई हूँ। और तो ये बता, तूने जो किया वो सही किया क्या? अपने बाप की जान लेने जैसा नीच काम किया है तूने। तू, तुझे तो इंसान भी नहीं कह सकते। तुझे अपना भाई कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। बकवास मत कर, चली जा यहाँ से। अकेले जाने के लिए यहाँ नहीं आई, तुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। चल चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊँगा। जो गुनाह किया है उसकी सजा तो मिलेगी ही। तुझे जितनी अपनी जान प्यारी है उतनी ही प्यारी मुझे राम की जान है। इसलिए समझा रही हूँ, मेरे साथ चल, वरना अगर राम यहाँ आ गया तो उसकी माँ का खून करने का गुस्सा वो तेरी जान लेके निकालेगा। जो मेरी जान लेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा? मारेगा मुझे? चल मार। चुप हो जा। जान ले लेगा मेरी? चल मार ना मुझे, मार ना। छोड़ूंगा नहीं तुझे। कहाँ है मेरी माँ? मेरी माँ कहाँ है? माँ चाहिए तुझे? चल, तुझे तेरी माँ के पास भेज देता हूँ। जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। राम नहीं, राम। इसे मैं छोड़ दूँ क्या? बता बता मुझे। इस राक्षस को छोड़ दिया तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। राम, 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 रुको राम। प्लीज मेरी बात समझो। आज
मेरी माँ होती तो मुझे संभाल लेती। अकेला हो गया हूँ ना, मुझे कौन संभालेगा? इसने मेरी माँ को जान से मार दिया, मार डाला इसने। अब मैं किसे माँ कहूँ? क्यों क्यों मारा मेरी माँ को? क्यों मारा? बता बता क्यों मारा? बता क्यों मारा? मेरी माँ को मार डाला। माँ तू आएगी ना? माँ तू आएगी ना? मेरी माँ, मैं अकेला हो गया माँ। सुनना माँ, है? Yeah.